प्रदेश में सार्वजनिक तौर पर गहलोत गुट के सवाल खड़ा करने वाले विधायकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस देने का फैसला अजय माकन की लिखित रिपोर्ट के बाद होना बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये फैसला करेगी कि इन विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजना है या नहीं। सूत्रों ने मुताबिक अशोक गहलोत के अलावा अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा और कुछ और नामों पर अटकलें जारी है। पहले इस रेस में कमलनाथ का नाम भी शामिल बताया जा रहा था। इससे पहले कल कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब किया था। गहलोत और कमलनाथ करीबी माने जाते हैं, जिनके जरिए पार्टी इस मुद्दे को सुलझाना चाहती थी। इधर राजस्थान की सियासी ड्रामे को निपटाने दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजस्थान के हालात बता दिए। बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। पूरे मामले पर सोनिया गांधी ने लिखित रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने तक राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी और सीएलपी की बैठक दोबारा बुलाने और प्रस्ताव पारित करने से जुड़े मसले पर भी फैसला नामांकन प्रक्रिया के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।